पंजाब सरकार दीआं मुश्किलां वध सकदीआं ने क्योंकि कोटकपुरा गोली कांड मामले च फरीदकोट की अदालत ने पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी कर दिता है। यह नोटिस 14 अक्टूबर 2015 नूं सिटी थाने की पुलिस वालों दर्ज किए गए मुकदमा नंबर 192 विच कीता गया है। दरअसल पंजाब पुलिस वालों अज तक अदालत चलान रिपोर्ट पेश नहीं की गई जिसके संबंध च फरीदकोट की अदालत ने नोटिस जारी कर दिता है। 14 अक्टूबर 2015 नूं सिटी थाने की पुलिस वालों दर्ज किए गए मुकदमा नंबर 192 विच चलान रिपोर्ट दायर करन दी मांग संबंधी अदालत च मुलजम गुरदीप सिंह पंदे ने अर्जी दायर की है। अदालत ने सरकार नूं नोटिस जारी करदिआं मामले की सुनवाई लई 25 अगस्त की तारीख तय की है। गुरदीप सिंह पंदे ने वकील ने अदालत नूं दस्या कि पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने दोवां मामलों की जांच करन दे SIT नूं हुक्म किए सन पर SIT ने एक ही मामले च कोटकपुरा गोली कांड की जांच मुकम्मल करके सप्लीमेंटरी चलान अदालत च पेश कर दिता है पर मुकदमा नंबर 192 च कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि उस वेले वापरी घटना च कई पुलिस कर्मचारी भी जख्मी हुए सन। SIT वालों कोटकपुरा गोलीकांड संबंधी पेश की चलान रिपोर्ट साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ते उस समय के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल समेत 6 पुलिस अधिकारियों शामिल किया गया सी। इस चलान च सुखबीर सिंह बादल ते साबका DGP सुमेर सिंह सैनी नूं मुख्य साजिशकर्ता करार दिता गया है। तो हुण फरीदकोट की अदालत ने कोटकपुरा गोलीकांड मामले च नोटिस जारी कर दिता है। तो देखना होगा कि सूबा सरकार हुण इस नोटिस का की जवाब देवेगी। Subscribe to One India channel and never miss an update.